अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग गए ना सालन बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो आज बच्चों का ट्यूशन नहीं था तो बच्चे रोने लगे बाहर जाना बाहर। तब तक बाबर भी आ गए, तो बाबर को कहते बाहर जाना है तो वो कहते फिर सब चलो क्योंकि मुझसे संभाले नहीं जाते बच्चे। तो अभी हम आज लोग जा फ्री रहे, का पानी, फ्री का पानी भी लेके हम जा रहे ताकि वहां पे ना लेना पड़े। तो बस अभी चलते मम्मा हैं, ठीक बताओ है? क्यों? क्यों वहां पे ना प्यास लगेगी, वहां पे तो हाँ पानी चलो नहीं फिर, चलो होगा। चलो चलो आ, सब गए फिर डांटेंगे हमें। तो भाई यहाँ पे ना लगाते हैं लॉक और चलते हैं। लॉक लग गया, चेक कर रही हूँ। चलो चलते हैं अभी। तो यहाँ पे बाबर गाड़ी साफ करे, फादिया कह रहे शुक्र है आज गाड़ी पास खड़ाई है वरना दूर तक। जी जी मम्मा जी, बोलो इसे अंदर से खोलो क्या करते हैं। करो नहीं नहीं उसने नहीं खोलना, छोड़ दो। ओ अंदर 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 से गुस्से दिखा रहे हमें। मीर को देखे मम्मा। माशाल्लाह से मौसम देखे बहुत ही है ना मजेदार सा बना हुआ है। क्या हुआ? वो देखो पांडा स्पाइडरमैन लोग है ना पिक्चर्स बनवा रहे हैं। फिर हमारा मीर तो डर जाएगा भाई हम बनाए तो ऐसे चोनी। और अभी है ना हम लोग यहाँ पहुंच चुके, वो वहां रही वहां है। दुआ आ जाओ मीर सोने से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सोने इधर आ जाओ। और यहाँ पे ना आप ऐसे स्केटिंग पहना रही है तो बस ये लोग अभी स्केटिंग करेंगे थोड़ी देर फिर चलते हैं। और ये देखिए यहाँ से ना जहाज गुजर रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। और मौसम चेक करें इतना जबरदस्त बना हुआ है। नवाब के काम देखे, जैकेट उतार के फेंक दे फिर नाच रहा था। हाँ हाँ देख रही हूँ चलो। और यहाँ पे ढोल बज रहे है, आवाज आ रही है कहीं से, पता नहीं क्या कहाँ बज रहा पता नहीं। मीर मीर अच्छा चले, कह रहे नहीं। और ये दोनों अब है ना मिल गए हैं तो मेरी सुन नहीं रहे, मैं इनके पीछे पीछे भाग। आ जाओ वो अंकल उठा के ले जाएगा, जल्दी आओ भाई। नहीं क्या जैकेट भी उतार दी, हवा चल रही है, आ जाओ। बुरी बात देखा, वो भी जा रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से, आ जाओ मैं जा रही हूँ, बाय बाय। आ जाओ माँ, नहीं मैं नहीं आ रही प्लीज। अब मैं आ गई हूँ, अब मैंने आपा को भेजा है कि अब आप जाओ उनके पास, बहुत तंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा है ना आपकी बारी है। अब आपा चली गई है और वो लोग यहाँ पे कहाँ गए, वो लोग स्केटिंग कर रहे हैं, वो लोग भी हमजा और फादिया। और आपा इनके पास गई, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। दुआ इधर आओ, बात सुनो। ए दुआ दुआ ये बात नहीं सुन रही मेरी, बस दुआ ये देखो जा रही है। अब आपा वहाँ स्केटिंग की तरफ गई है और बाबर यहाँ गए मीर को इधर लेके, और ये और मैं बीच में ही इधर खड़ी है। और ये देखिए बाबर है ना चाट ले। और मीर ये क्या खा रहे हो भैया? ये भैया आपका भुट्टा, भुट्टा भुट्टा बोलो भुट्टा। मसाला तो नहीं ऊपर? मसाला भी खा जाओ, मच्छी है। ध्यान से सुने, मेरे यहाँ पे तो हमारे पास पानी भी नहीं है। है वो फादिया के पास है बोतल, दुआ ने उठाई हुई है। अब तो तेज हवा चल चुकी है और ठंडी हवा यहाँ पे, अब ठंड लग रही है। तो बस है ना आपा को बाबर को कहते हैं कि बस चले, आपा भी वैसे कह रहे हैं ठंड लग रही है, चलो 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 चले चलो आओ फिर चलते हैं। मैंने ये देखे बह इसमें डाले हुए और ये फादिया के लिए बचाया कि उसे भी पसंद है, इनका खाएगी। बस फेंक दिया भुट्टा। तो अभी है ना हम लोग आए यहाँ के भी, यहाँ से ना लेते हैं आइसक्रीम। क्यों फेंका है भुट्टा? हाँ गंदा। तो यहाँ पे देखिए हमारी आइसक्रीम खा चुकी है, यहाँ पे पीछे भी देखो आइसक्रीम की, बस जल्दी है सबको खाने की। और हमारे ना कार के टायर पंचर है तो भी जल्दी जल्दी घर जाना होगा। तो यहाँ पे ना रात का खाना खा लिया, तो अभी है ना बन रही चाय। और जब से हम लोग वहाँ घूम के आए हैं तो मेरे ना कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द, अक्सर ऐसा होता है कि वो क्या पता नहीं उसे बोलते हैं, हम तो कहते हैं रग चढ़ गई, तो वो रग है ना नब्ज़ कुछ उसका हो जाता है मसला, तो मेरे अक्सर रहता है। लेकिन आज इतने घंटे हो गए
कभी फादिया को कह रही हूँ आके मुक्की मारो कंधे पे, कभी हमजा को, कभी बाबर को बोल रही हूँ दरा दबा दो, कभी आपा गए तो अभी है ना नफिल वगैरह भी पढ़नी है तो वो भी अभी नहीं शुरू की क्योंकि दर्द बहुत है। तो बस मैंने कभी चाय पीती हूँ तो कुछ है ना सर में भी दर्द है तो सर दर्द ठीक होगा, तो मैंने कहा फिर नफिल वगैरह भी पढ़ते हैं आराम से। तो बस अभी लेके चलते हैं सबके पास चाय, सबको अब इंतज़ार है चाय का, उसके बाद फिर सब अपने अपने कामों में लगेंगे। तो रात के 2:30 का टाइम है और अभी है ना मैं नफिल वगैरह पढ़ के ना अभी फ्री हुई हूँ। तो पहले मतलब काफ़ी गपशप में बैठ के काफ़ी टाइम लग गया तो खुश भी थी, और अभी नफिल पढ़े हैं तो बस सजदे में मतलब जैसे सजदा किया तो फिर थोड़ी इमोशनल भी हो गई, रोना भी आ गया कि मतलब कैसे हंसते खेलते मतलब सब है ना अच्छा जा रहा था, सब बिखर गए। और क्या कहते हैं महीने से ऊपर हो गए, अब्बू से बात नहीं होती, भाई भाभी से दूर हो गए, अली वहाँ चला गया है और आप और बच्चियाँ भी पता नहीं कब तक साथ हैं, कुछ पता नहीं मतलब ऐसे नजर लगी है क्या हुआ है कुछ पता नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था जिंदगी में, और पता नहीं अचानक कैसे सब बिखर गया, हमारा पूरा घर बिखर गया, हम हमारे रिश्ते सब बिखर गए, सब जुदा हो गए, पता नहीं अब लाख भी कोशिश करे तो सब पहले के जैसा नहीं हो सकता, इतना कुछ बिगड़ चुका है, इतना कुछ मतलब गलत हो चुका है। और पता नहीं आगे और अब कितना होना है ये भी नहीं पता, और ऐसे मतलब सिचुएशन है कि हंसो तो भी ना अजीब लगता है, रो तो अजीब लगता है, मतलब ना किसी को दुख सुना सकते हैं ना कोई खुशी का इजहार है, सुकून तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। पता नहीं मजीद आगे क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस आज बहुत अच्छी देर रात है, सब दुआ करिएगा हमारे लिए। और आज बस मैंने यही कर अल्लाह पाक दे के मेरी बहन का सब्र पड़े, हमारा सब्र पड़े, हम सब बिखर गए, हमारे रिश्ते बिखर गए, सब जुदा हो गए।